नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन हिंदी हाईलाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपके लिए EDS का एक और इफेक्ट्स लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि एक 3D इफेक्ट है। दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि हमारा इफेक्ट्स कैसे बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये वो RAR फाइल है दोस्तों जो आज आप लोग डाउनलोड करेंगे। इस RAR फाइल का डाउनलोड लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप लोग इसको सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और हमने इस पर एक पासवर्ड लगाया हुआ है जो वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों, 3 पार्ट में टेक्स्ट में लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको अनजिप कर लेते हैं और अनजिप करने के बाद दिखा देते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया है। तो अनजिप करने के लिए हम इस पर पासवर्ड लगा लेते हैं दोस्तों। और अनजिप होने के बाद उसी नाम से एक नया फोल्डर हमें मिला है दोस्तों। इसको आपको डाउनलोड करने के लिए आज लगभग 86 MB डाटा के आसपास खर्च करना पड़ेगा। अब हम अपना EDS ओपन करते हैं और EDS में ओपन करके ये प्रोजेक्ट आपको दिखा दे रहे हैं कि इफेक्ट्स कैसे बनाया गया है। EDS हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि EDS में हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ऑफलाइन शो कर रहा है रिसेंट में पहले से, क्योंकि दोस्तों हमने इसका पाथ जो है चेंज कर दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हम आपको यहां से ओपन प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे दोस्तों, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ओपन प्रोजेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने इसको डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, हम इस पर चलते हैं डेस्कटॉप पर और उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने इसको बना के रखा है प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ ओपन करेंगे तो हमारा EDS में आसानी से ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा प्रोजेक्ट दोस्तों EDS में लोड हो गया है। अब दोस्तों इसमें काम बाकी रह जाता है बॉय गर्ल और कपल के फुटेज को रिस्टोर कराने का। तो दोस्तों इसमें आपको टोटल 15 फुटेज रिप्लेस कराने पड़ेंगे, 5 बॉय, 5 कपल और 5 गर्ल के। और फ़ोटो के रेजोल्यूशन दोस्तों वीडियो रिस्टोर कराना पड़ेगा, फ़ोटो नहीं। उसकी टाइमिंग दोस्तों 25 सेकंड होगी और वो फुल HD 1080 H264 में रेंडर करके आप रखें तो आसानी से रिस्टोर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें रिस्टोर कराने का सबसे आसान तरीका जो हमें लगता है दोस्तों वो ये है कि इसमें जहाँ पर 14 फुटेज ऑफलाइन शो कर रही हैं उस पर आपको डबल क्लिक करना है। और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, जिस पर दोस्तों आपके सारी ऑफलाइन क्लिप शो कर रही होंगी। उस पर किसी एक क्लिप के ऊपर आपको क्लिक रख के और कंट्रोल ये प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंट्रोल ये प्रेस करेंगे सारी क्लिप सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, और उस पर जिस क्लिप के ऊपर आपने क्लिक किया होगा पहले उस पर एक एरो शो हो रहा होगा जैसा कि हमारे में हो रहा है। इस पर आपको राइट क्लिक करके और सेलेक्ट रिलिंक फोल्डर कर देना है। उसके बाद आपने जहां कहीं भी फुटेज काट के रखे हों 25 सेकंड के, आप उस फोल्डर को सेलेक्ट करके और ओपन प्रेस करेंगे दोस्तों तो ये ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा दोस्तों। तो हम भी सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों जिसमें हमने फुटेज काट के रखा हुआ है, हमने इस फोल्डर में रखा हुआ है, उसको सेलेक्ट करके और ओपन करते हैं तो ये हमारा रिस्टोर हो जाएगा दोस्तों। हमारा रिस्टोर हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम इसको प्ले करके देख लेते हैं, ये अच्छे से रिस्टोर हो गया है दोस्तों। दोस्तों आज का ये इफेक्ट्स कैसा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों, और अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर कोई फुटेज सही से इसमें लिंक ना हो या एडजस्टमेंट ना हो तो आप अपने हिसाब से भी उसको कर सकते हैं दोस्तों। और ये फुल HD इफेक्ट्स है दोस्तों, आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं, शादी मिक्सिंग के समय या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय आप इसको अच्छे से अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको भगा भगा के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, और आजकल कोई बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करता है दोस्तों। दोस्तों आज दीपावली है तो यहाँ काफ़ी सारे पटाखे भी बाहर जला रहे हैं बच्चे, तो दोस्तों उसकी भी आवाज़ बीच बीच में आ जा रही होगी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।